हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सो यार, आज की वीडियो की शुरुआत आप देख सकते हो पुराने वाले घर के साथ हो रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी मिट्टी लगी हुई है घर पे ना, मिट्टी लगी हुई है और साथ में प्योर लकड़ी लगी हुई है दियार की। पूरा दिखाने वाला हूँ आपको, मैं पूरा होम टूर देने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया था ना, जब मैं यहाँ पे आया था कि मैं आपको जिस दिन लीज खत्म होगी, उस टाइम पे तो लीज पे था, जिस दिन लीज खत्म होगी मैं आपको पूरा होम टूर देने वाला हूँ अच्छे से। और अराउंड शायद से 8 से 10 कमरे इस घर में ना, और बहुत पुराना है, 1990 में बना था शायद से, 1990 या 1991 में बना था। वो बातें आमा और मम्मी भी यहाँ पे है ना, तो उनसे करवाऊंगा मैं, मतलब सारी डिटेल देने वाला हूँ और उनके रिव्यू भी लूंगा और उनसे पूछने वाला हूँ मैं कि कैसे घर बना था, क्या क्या यादें इस घर के साथ जुड़ी है और वो चीज़ें, और वो अपनी फीलिंग्स ना आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो एक काम करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। तो यार, सबसे पहले आ जाते हैं मम्मी के पास, मम्मी का रिव्यू लेते हैं। मम्मी, कैसा लग रहा है आपको वापस इस घर पे इतने सालों बाद आके? बहुत अच्छा। कितने साल से लीज पे? 10 साल से 10 12। मतलब अभी इसको 10 था, उससे पहले भी दिया था किसी को 2 साल के लिए, उसके पहले 7 साल के लिए, मतलब 15-20 साल से लीज पे जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको फिर इस घर में वापस आके? बहुत अच्छा। दिल कर रहा है यहीं पे बैठे रहे, यहीं बैठे रहे। और बाकी यार, मम्मी का रूम दिखाता हूँ आपको मैं। तो एक काम करते हैं पहले बाहर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? पहले बाहर से दिखाता हूँ आपको पूरा घर में, और उसके बाद एक एक करके सारे रूम्स में जाने वाला हूँ, सब कुछ दिखाने वाला हूँ आपको। एंड में फिर आमा मम्मी और मैं बैठेंगे और सारी फीलिंग्स और सब कुछ शेयर करेंगे आपके साथ। तो यार, अभी हूँ मैं बरांडे में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो की। बाकी ये आप देख सकते हो बाहर से कुछ इस तरह का लुक है घर का, ठीक है? वो रही आमा, साफ सफाई चली हुई है, आमा और मम्मी दोनों साफ सफाई कर रहे हैं। ये रहा आपका बरांडा यहाँ पे, ठीक है? पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बाकी ये ना फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो इसमें ना गर्मियों में अभी तो आने वाले थोड़े टाइम, ऑटम के टाइम पे पूरे घर में फूल ही फूल लगते हैं सब जगह से। बाकी कुछ इस तरह का लुक है, पेंट करने को हो गया, पेंट का जो वुड पॉलिश होता है ना वो करने को हो गया, क्योंकि काफ़ी पुराना घर है यार, तब से जब से बना है ना तब से लेके इसमें वुड पॉलिश किया नहीं है, तो वो भी होगा, धीरे धीरे करके सारा काम होगा। तो कुछ इस तरह का लुक है, और यहाँ से एक बार व्यू चेकआउट करा देता हूँ आपको। ये आप चेकआउट कर सकते हो, कुछ इस तरह का व्यू है ये देखो। और वो रहा नीचे स्कूल, यहाँ पे ना बचपन में बहुत क्रिकेट खेलते थे हम लोग। और स्टार्ट करते हैं रूम्स के साथ, ठीक है? नंबर वन रूम रहा ये वाला, यहाँ पे चलते हैं अंदर। जैसे कि आपको मैंने बताया ना, थोड़ा सा गंद मचा हुआ है, सफाई वगैरह चलिए तो अवॉइड करना उस चीज़ को। ये रहा नंबर वन रूम, ठीक है? ये रूम है, इसके साथ यहाँ से अंदर आते हैं। ये आपका छोटा सा किचन है, ये एक्चुअली बाद में बनाया हुआ है ना, इसलिए कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। ये छोटा सा किचन है, उसके बाद इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है यहाँ पे छोटा सा, ये रहा कुछ इस तरह का वॉशरूम। और बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पे ये छोटी छोटी ना अलमीराज बनी हुई है, और ना ये प्योर लकड़ी है, जो दियार की लकड़ी होती है ना प्योर, वो है ये। जितने मर्जी साल हो जाए ये लकड़ी कभी ख़राब नहीं होती है। यहाँ पे भी एक अलमीरा है, बाकी यहाँ पे भी सेम यही अलमीरा है। और ये लगी हुई है मिट्टी, ये पूरी की पूरी ना पूरे घर में मिट्टी लगी हुई है। इस पर भी बाद में आते हैं, मम्मी और आमा से बात करेंगे और आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हम लोग। तो इसके बाद ये आ जाते हैं, ये रहा आपका यहाँ पे सेकंड रूम, ठीक है? ये कुछ इस तरह का रूम है, छोटे छोटे बेड्स है यहाँ पे, ये अलमारी है, ये अलमारी अभी भी मेरे को याद है जब मैं छोटा होता था ना, इसके अंदर टीवी रखते थे, और ये तब से लेके बनी हुई है सोचो अभी तक। और आप इसकी ना क्वालिटी देखो, ये देखो जैसे मैंने बताया आपको, दियार की लकड़ी है, पॉलिश किया हुआ है इसको, अभी तक भाई कहीं से भी खराब नहीं हुई है। अदरवाइज अगर कोई अभी जैसे आजकल लकड़ियाँ लगती है ना वो होती है ना, तो सड़ जाती है, खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। बाकी ये ऐसी लकड़ी है, पानी गिरे कुछ भी होना कभी खराब नहीं होती है। और ये कुछ इस तरह की अलमारी है, मेरे को अभी भी याद है बचपन में ना इसमें टीवी रखते थे ऐसे, हम लोग टीवी देखते थे। ये रही अलमारी, और ये भी ऐसे खुलता है बाहर को, ये देखो एकदम बढ़िया, ठीक है? और यहाँ पे एक दरवाज़ा है जैसे कि आपको दिख रहा हो, अभी के लिए तो हमने बंद करके रखा है इसको, तो इसीलिए यहाँ पे जो हैंडल होता है वो खोला है, क्योंकि इसके बैक साइड पे स्टोर है, दूसरी साइड से भी उसकी एंट्रेंस है, बट इस साइड से बंद किया हुआ है। और आपको एक सीक्रेट बताऊँ मैं, जो ये वाला रूम है ना, इस वाले रूम में मैं पैदा हुआ हूँ शायद से, जहाँ तक मेरे को पता है, बाकी मम्मी और आमा से पूछते हैं स्टोरीज, ठीक है? और जैसे इस रूम से बाहर आते हैं, ठीक है, ये एक वॉशरूम है, यहाँ पे एक छोटा सा वॉशरूम है कुछ इस तरह से, ये कॉमन वॉशरूम है, सारे इसको यूज कर सकते हैं। जितनी भी आपको ये दिख रही है, जैसे ये नलके वगैरह लगे हुए हैं, मार के देखे प्रेशर कितना है, कम है यार, उतना प्रेशर नहीं है। जैसे कि आपको ये नलके वगैरह दिख रहे हैं, ये बाद में लगाए हुए हैं, उस टाइम पे तो लगते नहीं थे ये। तो यार उस टाइम पे तो 1990s में तो ये वाले नलके लगते नहीं थे ना, प्रेशर वाला ये हो गया, जेट बोलते हैं इसको, ये हो गया चाहे दूसरे नलके, ये बाद में थोड़ा सा अपग्रेड किया हुआ है। बाकी इसके बाद आ जाते हैं साथ वाले रूम्स में, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, आमा अभी भी सफाई कर रही है। यहाँ पे आपका किचन है एक, ये ना सबसे बड़ा किचन है इस घर का, सबसे बड़ा किचन है ये, और यहाँ पे बन रहा है अभी लंच यहाँ पे बन रहा है। और ये आपकी चिमनी, अगर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये चिमनी है, ये देखिए, ओए 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 टूट गया, अच्छा टूटा नहीं, ऐसे रखते इसको, इसको अभी के लिए साइड पे रख देते हैं, ठीक है? तो ये चिमनी है, और आपको पता है किस काम आती है, पिज्ज़ा वगैरह अगर आपने बनाना होगा ना उसके काम ही आती है।
ये देखो कुछ इस तरह से, वैसे मिश्का के लिए घर भी बन सकता है। जोक से पार्ट, बाकी कुछ इस तरह से चिमनी है, इसकी चिमनी भी दिखाऊंगा बाहर जाके आपको मैं ना, तो इसको लगा देते पहले ऊपर यार। तो गाइस ये लग चुका है ठीक है, बाकी यहाँ से आते हैं बाहर। और जैसे कि आपको मैंने बताया ना, यहाँ पे ये टेंट लगा हुआ है ठीक है, टेंट यहाँ पे पिच किया हुआ है, और यहाँ पे रखते थे हम लोग लकड़ी, ये लकड़ी रखने के लिए पूरा एरिया था। और जो दूसरा दरवाज़ा आपको मैं बोल रहा था स्टोर का, ये वो दरवाज़ा है। बाकी यहाँ से आ जाते हैं बाहर, और इसके बाद चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर में, और यहाँ से ना थोड़ा सा झुक के जाना पड़ता है ऐसे ये, और ये थोड़ी सी रेनोवेट करने को है सीढ़ियाँ, काफ़ी पुरानी सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर को जाते हैं ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे छोटा सा गेट है, इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे एक रूम है, देखता हूँ मैंने अनलॉक किया कि नहीं। नहीं, इसको मैं लास्ट में अनलॉक करूँगा और दिखाता हूँ आपको। बाकी यहाँ पे एक रूम है, और एक चीज़ शेयर करता हूँ आपके साथ, जो ये वाला पार्टीशन दिख रही है आपको, जो यहाँ से लेके ये वाली पार्टीशन है, ये बाद में कंस्ट्रक्ट की हुई है, ये वाला घर पहले बना हुआ है ठीक है, उसके बाद जब रूम्स वगैरह लगने लगे ना तो ये वाला कंस्ट्रक्ट किया हुआ था, इसीलिए आप देख सकते हो ये सीमेंटेड है पूरा का पूरा। इसको ओपन करते ही नीचे टाइल्स वगैरह लगी है, गंद मचा है, सफाई करने वाले। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको ठीक है, इसको ओपन किया पहले, स्टार्टिंग में जब था ना ये किचन हुआ करता था, लेकिन आजकल आपको पता है ये ट्रेंड है कि रूम के साथ अटैच वॉशरूम चाहिए होता है, तो इसको ना वॉशरूम में कन्वर्ट कर दिया है, तो अभी थोड़ा सा गंदा होगा, उस चीज़ को अवॉइड करना जैसे कि मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग से लेके, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। जैसे इसको ओपन करते हैं ना, अंदर चलते हैं, चेकआउट करो गाइस, ओए जोर से घुस गया, ये चेकआउट करो, ये दिख रहा है आपको, ये वाला जो एरिया है ये शावर के लिए है, और काफ़ी बड़ा वॉशरूम है यार, और यहाँ पे लकड़ी की अलमारी रखी हुई है। यहाँ पीछे से व्यू देख लो, कुछ इस तरह का व्यू, खेत का व्यू है। बाकी ये शावर वगैरह के लिए है, वही, और ये यहाँ पे लाइट लगी हुई है ऊपर, अगर किसी को शावर लेना हो ना उसके लिए बेस्ट है। बाकी यहाँ से चलते हैं बाहर को, लाइट्स कर देते हैं ऑफ। सबसे पहले वो वाला जो पार्ट है उसको हम बाद में कवर करेंगे, लेफ्ट साइड चलते हैं, यहाँ से लेफ्ट जाते ही कुछ इस तरह का व्यू है, और ये रास्ता ऊपर को जाता है, यहाँ से भी ऊपर काफ़ी लोगों की प्रॉपर्टी है, मतलब ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है, 3-4 प्रॉपर्टीज़ होगी यहाँ से ऊपर। और जो नीचे आपको मैंने चिमनी दिखाई थी ना, उसकी पाइप ये जा रही है, देखो कुछ इस तरह से जा रही है इसकी पाइप, और इसके ऊपर भी एक रूम है, उसकी चाबी शायद से लाई नहीं है, वैसे मैं आपको एक बार ऐसे दिखाता हूँ यहाँ से जाके ना, वैसे तो इसका असली रास्ता इसको गेट खोल के भी और नीचे से भी है, फिर भी मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ जाके। ये यहाँ से सीढ़ी जाती है ऊपर को, ये है एटिक, बहुत छोटा रूम नहीं है, मतलब रूम अंदर से बहुत बड़ा है, मतलब एटिक बहुत बड़ा है, लेकिन दरवाज़ा बहुत छोटा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ऐसा आ रहा हूँ ठीक है, ये चेकआउट करो आप, मतलब इतना डाउन है, मेरे को झुक के ऐसे झुक के जाना पड़ेगा, ताला लगा हुआ है, देखते चाबी अगर लाई होगी तो खोल के दिखाता हूँ, अदरवाइज किसी और दिन दिखा देंगे। और कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ हैं यहाँ से। बाकी आपको पता है कि आज मैं कर रहा हूँ शूट गोप्रो के साथ, उसका रीज़न ये है क्योंकि यार ये वाला जो घर है ना, मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाना चाहता था, और आपको पता है ये मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है, जो वाइट हो रहा है ना, 8-10 दिन हो चुके, 8-10 दिन से प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीन वाइट हो रही है, आई डोंट नो क्यों, कैमरा की प्रॉब्लम है क्या, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, 80-90% तो लग रहा है कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है मैक में मेरे। बाकी इसलिए मैं आज गोप्रो से शूट कर रहा हूँ, और आई होप आज आपको कलर अच्छे दिख रहे हैं और घर आपको अच्छे से दिख रहा है। यहाँ से चलते हैं अंदर को ठीक है, यहाँ पे बैठने के लिए चिल वगैरह अगर मारना हो, जैसे कि मम्मी मार रही है यहाँ, देखो बोलने की देर थी, मम्मी आराम से व्यू एंजॉय करें, क्या कर रहे हो आप, यहीं बैठना है आपने, पक्का नीचे छोड़ के यहीं बैठ जाओ, चलो ठीक है, क्या है चलने की दिक्कत है, चलने की क्या दिक्कत है, वो नीचे वहाँ तक पार्किंग है, वहाँ से ऊपर 2 मिनट लगते हैं, मतलब हमारे लिए 2 मिनट, आपके लिए 5-10 मिनट है ना, ठीक है। तो मैं रूम दिखाता हूँ फिर, इसके अंदर चलते, ये भी एक रूम है ठीक है, और ये कुछ इस तरह से रूम रहा, और थोड़ा सा ना अंधेरा आ रहा होगा। बाकी यहाँ से ऊपर को एक एटीक के लिए सीढ़ी लगी हुई है, यहाँ से ऊपर को भी चलते हैं, और ये अलमीरा रही यहाँ पे, यहाँ पे ना पूजा के लिए वो रखते थे, पूजा यहाँ पे करते थे। बाकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, ये पूरी आपको दिख रही है इस साइड वाली जो एरिया है ना, ये पूरी की पूरी अलमीरा है, तो एटीक को हम बाद में कवर करने वाले हैं, अभी के लिए अंदर चलते हैं ऐसे। और ये है डाइनिंग एरिया, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये है किचन पूरा का पूरा, किचन में भी जाते हैं बाद में, और ये आपका डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे ना डाइनिंग टेबल वगैरह लगा हुआ था, यहाँ पे खाना खाते थे, और यहाँ पे वो जो मैं आपको रूम दिखा रहा था, जो मैंने कहा लास्ट में दिखाऊंगा, तो वो रूम ना यहाँ से भी दिखता है, एंट्रेंस उस साइड से है, तो यहाँ पे कर्टन्स लग जाते हैं। बाकी यहाँ से आ जाते हैं, ये रहा आपका किचन, ये है किचन एरिया, कुछ इस तरह से किचन एरिया है, और पानी क्यों हमने थोड़ा सा बंद करो इसको, तो ये कुछ इस तरह से है किचन एरिया पूरा का पूरा। बाकी यहाँ पे अलमीराज वगैरह है सामान रखने के लिए, और ये थोड़ा सा अंधेरा, एक काम करते फ़ोन की फ्लैश लाइट लगाता हूँ सबसे पहले, ये चेकआउट कीजिए गाइस, यहाँ से जैसे और ये बाद में कंस्ट्रक्ट हुआ है, पहले ये नहीं था, पहले ये रूम था, तो यहाँ से जैसे अंदर को जाते हैं ठीक है, ये अंदर को गए, और यहाँ पे लाइट है वैसे छोटी सी, छोटू सा बल्ब लगा हुआ है, तो यहाँ से जैसे अंदर को जाते हैं, ये बाहर के लिए एग्जिट है, ये भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये देखो ये चेकआउट कर रहा हूँ ठीक है,
ये बाद में देखेंगे। तो ये है आपका वॉशरूम, वहां से एंट्रेंस है किचन से, ठीक है लाइट लगाइए, वहां से किचन से एंट्रेंस है, ऐसे आए इधर को और ये रहा आपका वॉशरूम। यहाँ पे कुछ इस तरह से वॉशरूम है, बाकी यहाँ पे रहा आपका भाई और आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मैं शूट कर रहा हूँ। गोप्रो का मैंने एक्चुअली गोरिल्ला पॉड वगैरह ट्राईपॉड कुछ भी नहीं लाया हूँ, इसीलिए मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है इसको और मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ। बाकी ये रहा आपका मिरर, ये रहा आपका वॉशरूम और यहाँ से एग्जिट दिखाता हूँ अब मैं आपको। ये एग्जिट देखो, यहाँ से बाहर निकले और ये आ गया बैक साइड वाला एरिया, कुछ इस तरह से है ये बैक साइड वाला एरिया। और यार हैंडल चेकआउट करो भाई, क्या बढ़िया हैंडल है। तो ये यहाँ पे गार्डन है चिल वगैरह मारने के लिए, यहाँ पे कीवी वगैरह लगती है, जो ये पेड़ दिख रहा है आपको यहाँ पे कीवी लगती है। ये चेकआउट करो, स्टोन कार्विंग हुई है यहाँ पे, देखो दिख रहा है, और ये ना एक फॉरेनर ने की हुई थी। तो यहाँ से आगे जैसे यहाँ पे किचन वाला एरिया जिसके मैंने आपको दिखाया, उसके बाद यहाँ से चलते हैं। ये एक रूम है और ये रूम था मम्मी का, ये जो मैंने आपको दिखाया ना ये एक रूम था, फिर ये आ गया आपका डाइनिंग वाला एरिया, ठीक है ये आ गया आपका किचन, वहाँ पे वॉशरूम, और ये वाला जो एरिया है ये था मम्मी का रूम। ये चेकआउट करो गाइस, और यहाँ से भी अटीक के लिए रास्ता है। ये था मम्मी का रूम, ठीक है, जो इसके ऊपर था ये था मामू का रूम। तो देख सकते हो आप, मतलब ये मम्मी का रूम है, यहाँ से ऊपर को गए ये मामू का रूम है, और जो उस साइड है ना वो थी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में लेके चलता हूँ आपको मैं, ठीक है। अटीक में लास्ट में दिखाऊंगा, ये कुछ इस तरह से मम्मी का रूम है यहाँ पे, और इस साइड को भी यहाँ से ये एंट्रेंस है, ये देख सकते हो अंदर से ये सब कुछ एंट्रेंस, यहाँ से चले गए तो इधर को, बाकी लाइब्रेरी में ले चलता हूँ एक बार आपको मैं। ये कुछ इस तरह से लाइब्रेरी, और मेरे को अभी भी याद है यहाँ पे ना बहुत बड़ी फ्रेम थी। हुआ क्या, जिसको लीज आउट किया था ना हमने घर, वो अपने साथ ही लेके चली गई इस फ्रेम को, मतलब काफ़ी चीज़ें हमारी साथ में लेके चली गई थी। और ये फ्रेम तो मेरे को अभी भी याद है, जब एक घर बना है उसके कुछ सालों बाद ही लगाई हुई थी यहाँ पे, मैं छोटा सा था। मतलब लाइब्रेरी भी बोल सकते हो आप, सिटिंग प्लेस भी बोल सकते हो बहुत, क्योंकि यहाँ पे धूप भी इतनी अच्छी आती है और व्यू काफ़ी अच्छा है। ये देखो अब एक व्यू चेकआउट करो, यहाँ से ये चेकआउट करो गाइस, और कुछ इस तरह से लाइब्रेरी है, और यहाँ पे सारी की सारी बुक्स होती थी, जो ये एरिया ना ये बुक्स होती थी। और एक मिनट, मेरे को अभी भी याद है ये ना खुलता था, ये शायद से बंद कर दिया है अब ना। एक्चुअली मेरे को अभी भी याद है ये वाला एरिया कैसा था, यहाँ लाइब्रेरी थी, इसमें सारी बुक्स होती थी, और जो ये एरिया है ना ये से स्लाइड करके बाहर को खुलता था, और उस साइड को एंट्रेंस थी फिर इसमें ना, स्लाइड करके कुछ करके खुलता था ये। हाँ मम्मी और आमा से बात करते हैं ना, मैं फिर आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे ना बहुत पीस है यार, शांति नहीं होती बिल्कुल, एकदम गांव और आपके सिटी से बिल्कुल बाहर जाके है ये। हमारे वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हम रहते हैं ना वहाँ पे हॉर्न की आवाज़ इतनी आती है, इतना टूरिस्ट क्राउड, आजकल तो बहुत क्राउड होता है, मतलब घर से बाहर निकलो मानते हैं रोड के बिल्कुल साथ में हमारा घर है अटैच, ज़्यादा नहीं मतलब 10 सीढ़ी आप उतरोगे ना रोड से साथ में ही हमारा घर है। अभी इसके बाद लेके चलता हूँ मैं आपको एटिक, सबसे पहले स्टार्ट करते इस रूम से, ये रूम था जैसे कि मैंने आपको बताया मम्मी का। इसके बाद यहाँ से ऊपर वाला जो एटीक है वो था पिंटू मामा का, तो कुछ इस तरह से सीढ़ियाँ हैं, अभी ऊपर चलेंगे हम लोग। और मैंने ना जो वीडियो स्टार्ट की ना यहीं पे बैठ के की थी मैंने, ये चेकआउट करो गाइस, सबसे ब्यूटीफुल मतलब पूरे घर का सबसे ब्यूटीफुल रूम है ये वाला एटीक, मामू का था ये, मतलब जो मेरा फेवरेट है पर्सनल, जो मेरा फेवरेट है ना वो ये है, अगर मैं रहना चाहूँगा ना तो मैं इस रूम में रहना चाहूँगा यार। तो अभी चलते हैं यहाँ से ऐसे झुके और बाहर, और ये आमा वगैरह का रूम था, और यहाँ से स्टेयर्स है नीचे के लिए, और ये वाले जो स्टेयर्स है ना रिमूवेबल है, ये हटते थे। और यार कुछ इस तरह से था ये घर, बाकी एक रूम रह गया मेरे को दिखाने को और ऊपर वाला एटिक। एक काम करते हैं, मम्मी और आमा के पास जाता हूँ और आमा से पूछता हूँ, मैं अगर चाबी वगैरह लाई होगी ना घर से तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी आप बैठ के ना आमा और मम्मी से पूछते हैं इस घर की यादें जितनी भी थी आज तक, कैसे घर बना है सब कुछ पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मम्मी से पूछते हैं, मम्मी कैसे घर बना है, क्या याद है इस घर के साथ। नहीं सबसे पहले एक काम करते हैं आमा से पूछते हैं, आमा बड़ी है ना, आमा फिर आप क्या रिव्यू देना चाहोगे इस घर के बारे में। बहुत मेहनत की है, मुश्किल से घर बनाया है। अच्छा, और पत्थर और स्टोन से बनाया और मिट्टी से। अच्छा, मिट्टी लगाई, लकड़ी बहुत खुद मछली पड़ होते थे, खुद लकड़ी लाते थे, मेहनत करते थे हम गाँव वाले थे। उसके बाद बच्चे हो गए, कोई बच्चा इस कमरे में सोते था, मैं ऊपर सोती थी, गायत्री पहली साइड सोती थी, बाहर बैठते थे मजा लेते थे। और ये वाला जो व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एंजॉय करते थे जैसे भी बैठे। बाकी और क्या याद है इस घर के साथ मम्मी आप बताओ। बहुत ज्यादा याद है इसके घर के साथ, क्या बताएं, इतनी यादें हैं कि भूल नहीं सकते। भूल नहीं सकते मतलब इसमें मकान बनाया हमने, मेहनत भी बहुत की सबने, उस वक्त खुद काम करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे, मिट्टी पत्थर लकड़ी सारी लेबर कम खुद भी ढोते थे साथ में। यहाँ पे बहुत मतलब फिर किराएदार भी आते थे, फॉरनर भी रहते थे, बहुत ये करते थे, जुराबे बनानी, मफलर बनानी,
तभी इस घर की वैल्यू हो इसके बाद ही। और जैसे जैसे फॉरनर आते थे हम एक साइड रहते थे, एक साइड किराए पे दे देते थे, फिर हम चाय भी खुद बनाते थे उनके लिए, डिनर लंच ब्रेकफास्ट सारे फैमिली। अच्छा स्टार्ट आपने किया होमस्टे का सिस्टम? होमस्टे मैं खुद किया, मम्मी खाना पूरे गांव में आपने किया स्टार्ट? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया यहाँ पर जो होमस्टे चलाया फैमिली हाउस जैसे, फैमिली हाउस लोकल खाना बनाते थे देते थे उनको जो भी रहते थे, फिर हम खुद दो कमरे में रहते थे बाकी हम किराए पे देते थे, ऐसे ऐसे करके बाद में डीडी गेस्ट हाउस बन गया। हाँ। और एक और चीज शेयर करता हूँ आपके साथ, ये जो घर है ना इसका नाम है डीडी गेस्ट हाउस। फेसबुक में आप जाके ना पेज भी चेकआउट कर सकते हो डीडी गेस्ट हाउस, वहाँ पे आपको फोटोज वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और जैसे कि मम्मी ने बताया ना ये चीज जो वशिष्ठ गांव में ट्रेंड था ना होमस्टे का फैमिली हाउस का, वो यहीं से स्टार्ट हुआ है, हमारे यहीं से स्टार्ट हुआ है। उस टाइम पे फॉरनर्स वगैरह आते थे, ठीक है, यहाँ पे रहते थे वो, तो खाना भी उनको यहीं पे मिलता था जैसे होमस्टे होता है आजकल। और एक चीज और पूछनी थी, जैसे मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को बताया ना ये घर जैसे ये है ना, ये मिट्टी लगी हुई है, मिट्टी गोबर है, मिट्टी और गोबर की लिपाई इसमें, मिट्टी और गोबर की लिपाई ना, मिट्टी उसमें गोबर की लिपाई होती है। तो करते क्या है, तो मिट्टी और गोबर को इकट्ठा मिक्स करते हैं फिर उससे लिपते हैं इसको सारी तो होता क्या है, जो गाय का गोबर होता है ना उसको और मिट्टी को दोनों को मिक्स करते हैं और उसकी लिपाई करते हैं। तो जैसे ये दिखाया मैंने आपको उसकी लिपाई यहाँ पे होती है पूरे में, इसीलिए ये है। और इससे घर गर्म भी रहता है अंदर ना, गर्मी काफी रहती है, जैसे बोलते हैं ना गाय का जो खोड़ होता है जहाँ गाय रहती है, गर्मी में ठंडक देता है, ये फैक्ट है यार। ये देखो जैसे मैं हाथ लगा रहा हूँ ना ठंडा है बिल्कुल, पूरी दीवार ठंडी है, गोद में चढ़ गई और खुद ही बताया। हाँ जी हाँ जी, क्या हुआ, बहुत प्यारी है और खुद ही आगे चढ़ गई, बताया मैं एडिटिंग कर रहा था ना अभी, एक्चुअली जो यहाँ पे फॉरनर रहती थी ना उसके पास बैठती थी। खाना खाओगे, उसको मजा आ रहा है, गुड गर्ल अच्छा बच्चा है तू यार। हम मैंने गोद में उठा लिए। हाँ जी, अब आमा की दोस्त बन गई है ना, आमा क्या बोली दोस्त है ना मेरी। तो गाइस एडिटिंग मैंने कर ली है, ठीक है, बाकी चाय वगैरह हम लोगों ने पी लिया और अभी के सीन्स ऐसे हैं, यहाँ से चलते हैं घर को, घर जाके मैं अपलोडिंग करने वाला हूँ वीडियो की। और आई होप आप लोगों को ये वाला घर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया ना तो जो कमेंट सेक्शन है ना वो होता है स्पेशल आप लोगों के लिए, ताकि आप अपने वहाँ पे सजेशन दीजिए, प्यार दिखाए और बातें करो वहाँ पे जाके। बाकी अभी के सीन्स ऐसे यहाँ से चलते घर को, और आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल के एक फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो को मैं इतनी जल्दी इसलिए एंड कर रहा हूँ क्योंकि ये जो व्लॉग था ना इसको मैं सेपरेट रखना चाहता था, तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में।